हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आकांक्षा खत्री और मैं कर रही हूं आपका स्वागत हमारे शो इमामी हेल्दी एंड टेस्टी कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल प्रेजेंट्स पिकल्स ऑफ इंडिया सीजन टू है। इस सीजन खास ये है कि हम आपके लिए गए इंडिया के 29 स्टेट्स में और वहां से ढूंढ के लेके आए आपके लिए 29 टैलेंटेड होम शेफ्स जो यहाँ आएंगे और आपको सिखाएंगे 29 अनोखी अचार की रेसिपी। तो चलिए बुलाते हैं हमारी आज की होम शेफ को जो है चारू जी और वो है हरियाणा से, तो उनका स्वागत करते हैं। चारू जी वेलकम। हाय आकांक्षा, हाउ आर यू? एब्सोल्युटली फाइन। तो आज हम क्या बनाने वाले हैं चारू जी? आज हम बनाने वाले हैं गोभी, गाजर और शलगम का अचार। ओके। जो मैंने मेरी माँ और दादी से सीखा है। वाओ, तो आज हमारे पास पुरानी रेसिपी आ रही है। यस, हरियाणा की रेसिपी है ये जी। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमें एक बाउल चाहिए जिसमें हम जैगरी और विनेगर को मिक्स करेंगे। ठीक है, तो ये बाउल आपके लिए। या अब हम इसमें विनेगर डालेंगे। ठीक है, और विनेगर डाल के हमें मिक्स करके मिक्स करके 15 मिनट के लिए साइड में रख देना है। ठीक है, ये मिक्स करके अभी अच्छे से साइड में रख देना है। ठीक है, और तब तक मुझे पैन लगेगा। ओके, जिसमें हम ऑयल गरम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं रख रही हूँ आपके लिए पैन और ये गैस ऑन कर दी। अब आपका गैस स्टेशन में उधर आ जाएगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू। अब मैं लूंगी इमामी हेल्दी एंड टेस्टी कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल। इसका एरोमा और पंजसी ही इसकी खासियत है। और ये बने हैं सेलेक्टेड राजस्थानी सीड से। तो अभी हमने कितना ऑयल लिया है इसमें? लगभग 3/4 कप। ओके, तो इसे हमें गर्म करना है, स्मोकिंग पॉइंट पे लाना है। स्मोकिंग पॉइंट तक गर्म करना है जी। और उसको फिर रूम टेम्परेचर पे थोड़ा सा ठंडा करना है। ओके, अभी ये स्मोकिंग पॉइंट पे आ गया है जी। अब हम गैस बंद कर देंगे। ठीक है, और इसको ठंडा होने के लिए थोड़ी देर रख देंगे। ठीक है आकांक्षा, अभी ये रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो गया है, अब हम गैस ऑन करेंगे। ठीक है, और चॉप्ड गार्लिक ले लेंगे। ठीक है, तो गार्लिक तो अभी हमारा तेल थोड़ा गर्म था तभी हमने वापस गैस ऑन कर दी, वो जिस बस स्मोकिंग पॉइंट पे गया था उससे थोड़ा कम आ गया था टेम्परेचर। यस करेक्ट। अब हम चॉप्ड जिंजर लेंगे। ठीक है, तो ये हम इसलिए इस तेल में डाल रहे हैं ताकि वो जो उसका मॉइस्चर है वो इवेपोरेट हो जाए। यस। अब हम जैगरी और विनेगर का पेस्ट लेंगे। ठीक है, तो जैगरी और विनेगर जिसको हमने मिक्स करके साइड में रखा था वो जिंजर गार्लिक के बाद हम उसमें ऐड कर रहे हैं। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, और अब हम भुना हुआ जीरा पाउडर। ठीक है, सिनेमन पाउडर। अब बड़ी काली इलायची पाउडर लेंगे, मस्टर्ड पाउडर, लौंग का पाउडर। तो बेसिकली हमने सारे मसाले यहाँ पे उसको रोस्ट करके ग्राउंड कर लिया है। ग्राउंड किए हुए। अब कश्मीरी लाल मिर्च, नमक स्वादानुसार। अब हम मिक्स इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठीक, तो इस अचार की शेल्फ लाइफ कितनी होती है? क्योंकि इसमें ज्यादातर हम सारे ड्राई मसाले डाल रहे हैं तो इसकी शेल्फ लाइफ भी मैं अज्यूम कर रही हूँ कि ज्यादा होगी। इसको आराम से आप 6 मंथ तक रख सकते हैं। अब हम इसमें गोभी, सब कुछ डालते हुए इसको अच्छे से चलाते रहना है जी, ताकि सारे मसाले कोट होते जाएं। मसाले कोट होते जाएं। अब शलगम, गाजर, तो हम चाहे तो इसमें दूसरे सब्जियां भी यूज कर सकते हैं, सेम जो रेसिपी है जी, बट इसका कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। सो हम इसे कितने देर तक पकाएंगे? इसको हम अगले 10 मिनट तक और पकाएंगे। ओके, और ठंडा होने के बाद कंटेनर में रख देंगे। ओके, मतलब ये ऑलमोस्ट डन है, इस जस्ट इसको ठंडा करना है और फिर स्टोर करना है। एब्सोल्युटली यस। देखिए इसकी धास कितनी अच्छी है।
धास है तभी तो खास है। और आपको पता है मार्केट में जितने भी मस्टर्ड ऑयल अवेलेबल है, इमामी हेल्दी एंड टेस्टी कच्ची घानी इज द प्योरेस्ट। अब आकांक्षा ये ठंडा हो गया है, अब हम इसे बर्नी में शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसे हमें धूप में रखने की जरूरत नहीं है ना, ये रेडी है? नहीं, अभी ये खाने के लिए तैयार है। तो ये झटपट सी रेसिपी है जो आप बनाइए, और कोई जरूरत नहीं है इसे धूप में रखने की। तो कभी आपके घर पे गेस्ट आ रहे हैं तो आपको पता है कि आपको कौन सा अचार बनाना है। तो ये हमने कर लिया हमारे अचार को जार में फिल। थैंक यू सो मच चारू जी, इतनी अच्छी रेसिपी, अपनी फैमिली रेसिपी यहाँ पे शेयर करने के लिए हमारे साथ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ इन्वाइट करने के लिए। प्लेजर। इमामी हेल्दी एंड टेस्टी कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल की तरफ से आपके लिए गिफ्ट हैम्पर। थैंक यू। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग रेसिपीज देखने और सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इमामी हेल्दी एंड टेस्टी यूट्यूब चैनल। हम आपसे जल्दी मिलेंगे एक नए होम शेफ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।